Yo, well hi, good morning beautiful people, this is the boy Inchifer back again with a new video. And before starting the video, I want to thank you all for subscribing me, for sharing my videos, for watching and all, for commenting and all. You know, I'm not uploading videos because of, means, you know, I'm in little bit depression because of my old channel got hacked. So I started new channel, as everybody knows about it. So I'm working on it day by day, means within some days I'm gonna get the camera. And I tell you what, today Tokyo is here, and you know what I'm gonna do. Aaj main is pe lamination karane ke liye ja raha hu. Ye bahut gandi ho rahi hai, main aapko dikhata hu. Ye dekho, ये बहुत ज्यादा गंदी हो रही है. कई देखो, कई दिन से धुली भी नहीं है. देखो कैसे कैसे इस पे निशान हो रहा है. बट टुडे आई एम गोना गेट इट लैमिनेटेड. आज हम इस पे लैमिनेशन कराऊंगा. बहुत ज्यादा गंदी लग रही है ये, है ना. लैमिनेशन कराने के बाद मैं इसको धुलवाऊंगा. ये देखो क्या हाल हो रहा है इसका. एंड आई टेल यू व्हाट, आई एम गोना चेंज इट्स नेम. मैं इस बाइक का नाम बदलना चाहता हूँ. मींस यू नो द नेम शुड बी टॉक ऑफ द टाउन. ऐसा लगे कि जैसे कैरी मिनाटी हो गया, समथिंग इज डिफरेंट. एज माई नेम इज इंशिफर, हाँ. लाइक देर आर सो मेनी बाइक्स नेम्ड टोक्यो, सो कॉज ऑफ दैट आई एम गोना चेंज द नेम. इन द लास्ट आई मस्ट टेल यू मैं कौन सा नाम रखूंगा. इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ. आई एम गोना चेंज इट एंड द नेम इज सो हिलेरियस. आप सुन के पागल हो जाओगे उसको नाम को सुनने के लिए, नाम को सुनने के बाद. एंड आई हैव बीन थिंकिंग डे बिफोर यस्टरडे, दो तीन दिन से सोच रहा हूँ कि मैं इसका नाम बदल दूँ, क्योंकि टोक्यो के नाम से बहुत सारी बाइक है. मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी बाइक हैं. सो आई एम जस्ट गोना चेंज द नेम ऑफ इट. सो आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ वीडियो, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं. तब तक के लिए, इफ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड ऑल. एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. ओके, डू हियर मी, आई लव यू बेबी. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फाइनली आई गॉट इट लैमिनेटेड. हो गए, लैमिनेशन हो गए इस पे. और देखो ये मैंने ना इसके बैग, ये जो सीट कवर होते हैं ना, ये भी दोनों चेंज करा दिए रेड कलर के. दिखाता हूँ मैं आप. ये देखो लैमिनेशन होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, पर देखो गंदी भी काफी हो रही है ये. यहाँ से देखो अभी तक धुली नहीं है. उसने बोला कि दो दिन बाद धोना. मैंने इसमें क्या कराया, मैंने इसके ये बैक सीट कवर लगवाए हैं दोनों रेड कलर के. कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना. मैंने चेंज कराऊंगा, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, बस जल्दबाजी में कर लिया मैंने. और पूरी बाइक पे लैमिनेशन हो रखी है, जहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये टंकी वगैरह, ये मरघाट वगैरह, ये सारी चीज़ें लैमिनेटेड हो रखी हैं. इसके पीछे से ये देखो गंदी काफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा. समय नहीं मिलता ना साफ करने के लिए, धोने के लिए इसको. ये देखो ये भी लैमिनेशन हुई है यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर ये भी लैमिनेशन हुई है, ये भी लैमिनेशन है. ये सारी की सारी लैमिनेशन होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है ये. And that is freaking awesome, man. You hear me? ये देखो सेक्सी लग रही है एकदम, टनाटन. आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना लैमिनेशन होने के बाद. और इसका ये मैंने मीटर भी लैमिनेटेड करा दिया है, इस पर लैमिनेशन हुई है. ये इस पर लैमिनेशन हो रखी है. कहने का मतलब अब सेफ हो गई, पहले थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह का डर रहता था, अब है ना स्क्रैच वगैरह का बिल्कुल भी डर नहीं है. लैमिनेशन मैंने इसीलिए कराई है क्योंकि इस पर मतलब स्क्रैच वगैरह आ जाती है, तो सो दैट लुक्स ऑकवर्ड. और हाँ, लैमिनेशन करानी इसीलिए ज़रूरी है, एवरीबडी शुड गेट इट डन. जैसे स्क्रैच जो आती है उससे बच जाती हैं, अगर जो भी स्क्रैच आएगी वो पन्नी पर आएगी. और हाँ, जब भी आप लैमिनेशन कराएं एक बात का ध्यान रखें, उसने मेरे को बताया है, जब भी आप लैमिनेशन कराएं पन्नी मतलब थोड़ा सा महंगा आएगा. मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मेरे को मीन्स हमारे तो जानकार थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत कम करा, मतलब 500 उन्होंने मेरे से चार्ज करा लैमिनेशन का. और मैं आपको इसके जो ये गद्दी बदलवाई है मैंने, ये 200 रुपये की, 500, 600, 700 रुपये इसमें अभी तक लगे हैं, है ना, लैमिनेशन के. और ये बैक, ये जो बैक सीट पे मैंने कवर लगवाए हैं, और इस पे भी जिस पे मैं बैठता हूँ.
तो अभी जो खर्चा आया वो 700 का खर्चा है। अगर आपने भी लैमिनेशन नहीं करा रखी तो ज़रूर कराएं। और लैमिनेशन कराने से पहले पन्नी चेक कर लेंगी, पन्नी किस तरीके की है। मीन्स अगर आप इसे 6 महीने बाद, मीन्स उसने बोला, एक भाई ने बताया था मेरे को कि 6 महीने में उतार कर दोबारा पन्नी चढ़वा लेनी चाहिए, दोबारा से लैमिनेशन करा लेनी चाहिए ना, फिर इससे पेंट जो होता है ना बाइक का वो ख़त्म नहीं होता है, है ना। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप भी अपनी बाइक पे लैमिनेशन करा रहे हैं तो कम से कम उसे 5-6 महीने रखें। कहने को तो उसने 1 साल का है, 1 साल तक आप इसे रख सकते हैं, बट बीइंग अ यूट्यूबर लाइक आई मस्ट टेल यू, आप हद से 6 महीने में इसको दोबारा से लैमिनेशन करा लें। सो अब बात आई नाम की, सो मैंने आपको नाम बताता हूँ, नाम मैंने इसका क्या रखा है। आई विल कॉल इट टुडे ऑनवर्ड्स गर्लफ्रेंड, आज से मैं इसको गर्लफ्रेंड बुलाऊंगा। और आपको नाम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। अब ये बस पता नहीं कैसे माइंड में आया नाम मेरे, ऐसे ही रख लिया इसका नाम मैंने, समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम रखूँ। तो टोक्यो के नाम से बहुत सारी बाइक्स हैं जो यूट्यूब पर हैं, है ना, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, है ना। सो दैट्स वाई आई हैड टू चेंज इट, गर्लफ्रेंड एक भी बाइक का नाम नहीं है, तो दैट्स वाई आई नेम्ड इट गर्लफ्रेंड। डू हियर मी, है तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी बाइक की नेम। सो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके आपको नाम कैसा लगा, नाम है गर्लफ्रेंड, टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोना कॉल इट गर्लफ्रेंड। डू हियर मी, हाँ, हाउ डिड यू फाइंड इट, कमेंट नंबर बिलो। तो चलिए अब फिर मिलते हैं फिर किसी दिन दूसरे व्लॉग में। नाइस टू सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम, चाओ, बाय बाय बेबी। डू हियर मी, हाँ, मैं ये बाइक इस समय चला रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे, है ना। मुझे इस बाइक का एक फीचर सबसे अच्छा लगता है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इसे ना रेस दे रखी है, अब ये मतलब इसे रेस देने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसे तीसरे गियर में डालो, देखो तीसरे गियर में है ये, और ये 16 की स्पीड पे, अब दोबारा रेस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसे चाहे आप इसे मेरठ तक ले जाओ,